प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इस समय हिस्ट्री के क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रहे हैं, उसके तहत हम भारत के महानायक पढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में हम आधुनिक भारत के महानायकों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके तहत हम लोगों ने पहले महानायक राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा। आज हम लोग आधुनिक भारत के दूसरे महानायक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद शायद भारत के इतिहास में किसी परिचय के मोहताज नहीं है और ना ही पूरे विश्व के इतिहास में। एक ऐसा व्यक्ति, देखिए, महान व्यक्ति केवल अपने कृत्यों से नहीं होता है, महान व्यक्ति अपने विचारों से भी होता है। महान व्यक्ति के विचारों ने उसे महान बना दिया। शायद आपने कभी यह सुना नहीं होगा कि किसी के घर बहुत महान बच्चा पैदा हुआ है। व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, अपितु अपने कर्मों से महान होता है, अपने कृत्यों से महान होता है, अपने विचारों से महान होता है। भले ही व्यक्ति किसी साधारण परिवार में पैदा हो, लेकिन अपने कृत्यों से, अपने विचारों से, अपने सोच से वह व्यक्ति महान बन जाता है। ऐसे ही एक महानायक थे स्वामी विवेकानंद। बचपन का नाम नरेंद्रनाथ, 1863 में कलकत्ता में जन्मे नरेंद्रनाथ एक संभ्रांत परिवार में पैदा हुए थे। मध्यमवर्गीय परिवार में पैदा होने के बावजूद उनकी सोच नवीन थी, उनकी सोच आध्यात्मिक थी, उनकी सोच देशवादी थी। निश्चय ही देखिए, जिस व्यक्ति के दिमाग में विचार नहीं पैदा होता है, वो कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं कर सकता है। स्वामी विवेकानंद को यूं ही योद्धा सन्यासी नहीं कहा जाता है। शायद योद्धा सन्यासी इसलिए क्योंकि सन्यास को उन्होंने एक नया सन्यासी ताना बाना को उन्होंने एक नया कलेवर पहनाया, एक नया आवरण पहनाया। क्या नया आवरण पहनाया कि एक संत का चोला पहनकर एक समाज से विरक्ति का, समाज से वैराग्य का सोच रखकर भी हम देश और समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और ऐसा बीज बो सकते हैं जिससे एक गुलाम देश आजादी की ओर भी अपना मार्ग प्रशस्त कर सकता है। स्वामी विवेकानंद भले ही एक गुलाम समाज में पैदा हुए थे, एक ऐसे देश में पैदा हुए थे जो उस समय अंग्रेजों की गुलामी भोग रहा था, लेकिन सोच से वो कभी गुलाम नहीं थे। जिस समय यूरोप पूरे दुनिया को गुलाम बना रखा था, उस समय स्वामी विवेकानंद के विचारों का गुलाम पूरा यूरोप और अमेरिका था। 1893 के धर्म संसद में भाषण देने के पश्चात स्वामी विवेकानंद जिस ओर गुजरते थे, जिस ओर जाते थे, लोगों की भीड़ उन्हें घेर लेती थी। चारों ओर लोग उनको देखने के लिए, उनको समझने के लिए, उनको सुनने के लिए, बल्कि यूरोपियों को तो ये कष्ट हो रहा था कि ऐसा ज्ञानी व्यक्ति कैसे भारत में पैदा हो गया, कैसे एशिया में पैदा हो गया, इसको तो यूरोप में पैदा होना चाहिए था। क्योंकि उनको तो लगता था कि जो ज्ञान है, जो तर्क है, जो शिक्षा है, वो तो उनका कॉपीराइट है, यूरोप का कॉपीराइट है, भारत नहीं है। भारत तो विश्व गुरु आदि काल से था और आधुनिक विश्व में भारत को विश्व गुरु की पहचान को अगर पहली बार किसी ने स्थापित किया तो वो थे स्वामी विवेकानंद। 1863 में कलकत्ता में जन्मे नरेंद्रनाथ बचपन से ही एक स्वतंत्र सोचवादी, आध्यात्मिक सोचवादी थे। यही कारण है कि उनका झुकाव आध्यात्मिक की ओर बढ़ा और कहा जाता है 1880 में उनका मिलन जो है वो उस समय के दक्षिणेश्वर संत रामकृष्ण परमहंस से हुआ और बहुत जल्दी वो उनके शिष्य बन गए, उनके विचारों, उनके बातों, उनके ज्ञान से प्रभावित होकर।
रामकृष्ण परमहंस के रूप में ही उनका अपना आध्यात्मिक कर्म योगी का जीवन प्रारंभ हुआ। कहा जाता है कि 1891 में संपूर्ण भारत की यात्रा की और उस यात्रा के दौरान उन्होंने भारत की तमाम समस्याओं को समझा, देखा और निश्चय ही उसके विरुद्ध उनके मन में भावना पैदा हुई। चूंकि अपने आध्यात्मिक विचारों के कारण, अपने ज्ञान के कारण स्वामी विवेकानंद उस समय एक सन्यासी के रूप में चर्चित तो हो ही चुके थे, यही कारण है कि जब 1893 में अमेरिका के शिकागो में धर्म संसद होना था तो भारत के प्रतिनिधि के लिए उनका भी नाम सामने आया। कहा जाता है कि जब इसके लिए नॉमिनेशन के लिए या अन्य किसी कार्यों के लिए वो महाराज खेतड़ी के राजा के पास पहुंचे तो खेतड़ी के राजा ने उन्हें कहा, भैया अपना बचपन का नाम जो नरेंद्रनाथ है इसको जरा आप बदल लीजिए। और उन्होंने ही उन्हें सलाह दिया, बार बार प्रश्न आता है कि किसने उनको उनके नाम को नरेंद्रनाथ को बदलने के लिए स्वामी विवेकानंद बनाने कहने के लिए कहा था नाम रखने के लिए, तो थे महाराज खेतड़ी के राजा ने उन्हें सलाह दिया कि अपना नाम नरेंद्रनाथ से बदलकर स्वामी विवेकानंद कर लीजिए, तो उनका नाम पड़ गया स्वामी विवेकानंद। कहा जाता है कि जब वो शिकागो में धर्म संसद में भाग लेने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उनको जमशेद जी टाटा से भी मुलाकात हुआ। जमशेद जी टाटा उनके विचारों से काफी प्रभावित हुए और जमशेद जी टाटा से उन्होंने कहा कि भाई देश के लिए भी कुछ करिए, और उन्हीं के कहने पर कहा जाता है कि जमशेद जी टाटा ने स्टील फैक्ट्री डाली और एक साइंटिफिक एक संस्था की भी स्थापना की। पहुंच गए और बहुत जब वो शिकागो पहुंचे तो बहुत जल्दी पहुंच गए, लेकिन उसके बाद अब बावजूद वहां पहले से पहुंचकर भी वो कई विश्वविद्यालयों को उन्होंने यात्रा भी की, लेकिन जॉन राइट एक वहां के शिक्षित व्यक्ति थे, कहा जाता है कि उन्हीं के कहने पर उन्होंने एक विश्वविद्यालय में भाषण भी दिया और जॉन राइट बड़े प्रभावित हुए, लेकिन बाद में पता चला कि उनके पास कोई अधिकृत प्रमाण पत्र नहीं है धर्म संसद में भाग लेने के लिए स्वामी विवेकानंद के पास, तो जॉन राइट को बड़ा दुख हुआ। कहा कि आप जैसे विद्वान के लिए परिचय पत्र मांगना उसी तरह से है जिस तरह से सूर्य से स्वर्ग में चमकने के अधिकार का प्रमाण पत्र मांगा जाए। निश्चय स्वामी विवेकानंद अपने विचारों से, अपने ज्ञान से लोगों को प्रभावित कर रहे थे, और वह दिन भी आ गया जब उन्होंने अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें बोलने का अवसर मिला 11 सितंबर 1893। को उन्होंने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और बोलने का अवसर मिला। हालांकि उन्हें बहुत बाद में अवसर दिया गया क्योंकि पूरा विश्व उस समय भारत के बारे में एक पूर्वाग्रह से ग्रसित था। देखिए, एक गुलाम देश के लोगों को वैसे भी कोई स्वतंत्रता तो बहुत होती नहीं है, तो एक गुलाम देश के प्रतिनिधित्व के रूप में गए थे तो जाहिर सी बात है तो बहुत संभव नहीं था कि उनको बहुत ज्यादा सुविधाएं मिलती, कंडीशन बिल्कुल एडवर्स था। लेकिन इसके बावजूद चूंकि स्वामी विवेकानंद परम ज्ञानी, जाहिर सी बात है कि उनके अंदर ऐसे परिस्थितियों से लड़ने का ताकत तो था ही, लास्ट में बोलने का अवसर मिला और पहले शब्द से ही बहुत उनका ऑथेंटिक भाषण तो मिल नहीं पाता है कहीं, लेकिन कहा जाता है कि पहले शब्द से ही उन्होंने पूरे अमेरिकियों को के दिल को जीत लिया और मिनट बहुत देर तक ताली बजती रही। उनका पहला शब्द था अमेरिकी बहनों एवं भाइयों। अब उस पश्चिमी विश्व में जहां स्त्री को पहले पत्नी माना जाता है, बहन और मां तो बाद में माना जाता है, उस पश्चिमी विश्व में पहले बहनों एवं भाइयों अगर कह दिया जाए तो चकरा जाएगा पूरा विश्व, और यही हुआ भी स्वामी विवेकानंद के साथ। स्त्री को बहन मानना, पुरुष को भाई मानना, ये केवल भारत में हो सकता है। भले ही पूरा विश्व ब्रदरहुड की बात करे, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि पश्चिम में स्त्री जो है
पत्नी पहले है मां बाद में है, भारत में स्त्री मां पहले है पत्नी बाद में। इसी अवधारणा को पर चलते हुए स्वामी विवेकानंद ने बोला, अमेरिकी बहनों एवं भाइयों, कहा जाता बहुत देर तक ताली बजता रहा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं दुनिया के सबसे प्राचीन संत परंपरा की ओर से आपका स्वागत करता हूं, मैं दुनिया के सब धर्मों की जननी, सब धर्मों की जननी की ओर से आपका स्वागत करता हूं, मुझे गर्व है कि मैं उस देश से पैदा हुआ हूं, उस देश में पैदा हुआ हूं जिसने दुनिया के सभी देशों सभी धर्मों के सताए लोगों को शरण दिया। स्वामी विवेकानंद के वक्तव्य को शायद ओरिजिनली बहुत कम मिला हुआ है, लेकिन कुछ भी उन्होंने कहा, लेकिन ऐसा तो कह ही दिया कि जिससे पूरा अमेरिका और यूरोप अंदर से झकझोर गया, अंदर से हिल गया, और जिस भारत को यूरोप और अमेरिका सांप और सपेरों का देश कहते थे, भारत की आध्यात्मिक भारत की बौद्धिक शक्ति का पहली बार उन्हें परिचय प्राप्त हुआ, और उस परिचय को देने वाले थे परम ज्ञानी संत शिरोमणि स्वामी विवेकानंद, एक योद्धा सन्यासी। योद्धा सन्यासी इसलिए कि भारत की गरिमा भारत की महिमा को आधुनिक विश्व में अगर पहली बार किसी ने पहचान दिलाया तो वो और दूसरे कोई नहीं थे बल्कि कौन थे, स्वामी विवेकानंद। इस भाषण के बाद तो स्वामी विवेकानंद पूरे यूरोप और अमेरिका में हीरो बन गए। जिस ओर स्वामी विवेकानंद जाते थे लोगों का हुजूम उन्हें घेर लेता था, उनको देखने के लिए, उन्हें समझने के लिए, उनसे बात करने के लिए हर कोई घेर लेता था। तो यूरोपियनों को लगा कि भाई इतना ज्ञानी व्यक्ति है और ये वह लबादा सन्यासी ताना बाना लबादा पहना हुआ है, टाई सूट बूट तो पहना नहीं है। उसी में किसी ने उनसे पूछ दिया, किसी पत्रकार या किसी व्यक्ति ने, कि आप इतने ज्ञानी हैं, सभी लोग आपके अनुयायी हो रहे हैं, सभी लोग आपको मान्यता देख रहे हैं, आपको देखने के लिए तरस रहे हैं, आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं, और आप क्या है सन्यासी तब ताना बाना लबादा पहने हुए। देखिए जो महान व्यक्ति होता है वो हाथ पैर चलाकर जवाब नहीं देता है, अपितु तो अपने ज्ञान से अपने तर्क से उस व्यक्ति को ऐसा जवाब देता है कि वो उसकी बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाती है। स्वामी विवेकानंद के उसके इस कटुपूर्ण आलोचना का जवाब देखिए कैसे दिया। उन्होंने कहा, इन योर कंट्री टेलर मेक्स ए मैन परफेक्ट बट इन माई कंट्री कैरेक्टर मेक्स ए मैन परफेक्ट। यानी मेरे देश में दर्जी, आपके देश में दर्जी व्यक्ति को सूट बूट टाइप पहनाकर जेंटलमैन बना देता है और उसको परफेक्ट बनाता है, लेकिन हमारे देश में दर्जी किसी व्यक्ति को परफेक्ट नहीं बनाता है बल्कि उसका चरित्र बनाता है, उसका उसके अंदर की भावना बनाती है, उसका सोच बनाता है, उसका नैतिकता बनाता है, उसका धैर्य बनाता है, उसका गुण बनाता है, वह व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है। इन माई कंट्री कैरेक्टर मेक्स ए मैन परफेक्ट बट इन योर कंट्री टेलर मेक्स ए मैन परफेक्ट। वाह रे भारत के इस ज्ञानवीर रणबांकुरे जिसने पूरे दुनिया के समक्ष भारतीय ज्ञान का डंका बजा दिया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उन्होंने अपने ज्ञान का डंका केवल अमेरिका के शिकागो में नहीं पिलाया बल्कि वो कई वर्षों तक, लगभग 4 वर्षों तक वो पूरे अमेरिका यूरोप के सारे देश में घूमते रहे और भारत को जिसे यूरोपीय सांप और सपेरों का देश कहते थे उस भारत का ज्ञान का ज्ञान और मान को गौरव को पहली बार उन्होंने स्थापित कर दिया, डंका बजा दिया भारत के ज्ञान का। विश्व गुरु की संकल्पना जो प्राचीन थी उसको उन्होंने आधुनिक बना दिया, जो गुलामी के बाद कहीं दब गई थी उसको उन्होंने फिर से एक साकार रूप धारण करा दिया। कहा यह जाता है कि स्वामी विवेकानंद के ज्ञान की के ओजपूर्ण बातों को सुनकर
एक वहां का एक नामी समाचार पत्र इतना प्रभावित हो गया कि उसने कहा कि एक ऐसा देश जहां स्वामी जी जैसा व्यक्ति रहता है वहां धर्म प्रचारक को भेजना कितना बड़ा मूर्खता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जहां इतना ज्ञानी व्यक्ति रहते हो वहां हम किसी धर्म प्रचारक को क्यों भेजें? वो तो खुद ही इतना ज्ञानी है। जिस देश में इतना ज्ञानी व्यक्ति रहता हो वहां धर्म प्रचारक भेजना तो सबसे बड़ी मूर्खता की बात है, उस पत्रिका ने लिखा। कहा जाता है कि वहीं अमेरिका में ही उन्होंने न्यूयॉर्क में 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। हालांकि जब वो भारत लौटे 1897 में तो उन्होंने अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन, 1897 में अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस के वो शिष्य थे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये कोई साधारण शिष्य नहीं थे। अगर शिष्य परंपरा की पराकाष्ठा कह लिया जाए तो उसमें स्वामी विवेकानंद कम नहीं थे। आपको एक और वाक्य बताता हूं। कहा जाता है कि उनके उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हो गया था। उनके गले से कफ पीप बहुत सारे गंदे खून निकलते रहते थे और उसको एक जगह एकत्र किया जाता था और बाद में उसे फेंक दिया जाता था। कहा जाता है कि एक बार स्वामी विवेकानंद कहीं बाहर चले गए थे, कुछ दिन वो आ नहीं पाए। तो जब वो लौटे तो देख रहे हैं कि हमारे गुरु बड़े ही गंदे स्थान पर पड़े हुए हैं और उनका जो जो अंदर से कप पीप निकल रहा है वो एक जगह रखा हुआ, लेकिन उसको बार बार बहाया नहीं गया, साफ सुथरा नहीं किया गया। इसे देखकर स्वामी विवेकानंद इतने नाराज हुए कि वो पीप का और खून का और कप का प्याला पी गए सीधे। वो ये दिखाना चाहते थे कि तुम लोगों को इतना घिनना लग रहा है, तो वो पी गए पूरा। शायद शिष्यत्व परंपरा की पराकाष्ठा थे स्वामी विवेकानंद, और उसी को उन्होंने साकार सिद्ध भी किया और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यह वह संस्था जो आज भी पूरे भारतवर्ष में जो कल्याण का काम है, समाज सेवा काम बहुत बड़े स्तर पर करता है। स्वामी विवेकानंद के हमने तथ्य तो पढ़ लिए, अब जरा उनके कुछ विचार को जान लिया जाए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहां मेरे पढ़ाने का मूल उद्देश्य है आपके दिमाग में वैचारिक क्रांति पैदा करना, ठीक है ना। उसी वैचारिक क्रांति के लिए हम लोग इनको उनके विचारों को जरूर जानने का प्रयत्न करेंगे। तो मैं कुछ उनके सोच को, कुछ उनके स्टेटमेंट को बताने आपको जा रहा हूं, जो एग्जाम में भी तो स्टेटमेंट बहुत देता है एग्जाम में, आप हो सकता है इसमें से कोई स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आ जाए। उन्होंने उनका कहना था, जब तक लाखों लोग भूखे तथा अज्ञानी रहेंगे मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिन्होंने उनकी मेहनत के कमाई से शिक्षा ग्रहण की। ये स्वामी विवेकानंद कहा था कि मैं उस हर जब तक इस देश में लाखों लोग भूखे तथा अज्ञानी हैं मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिन्होंने अपने उनकी मेहनत से कमाई की, शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उनकी परवाह नहीं करते। आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारत में एक सामाजिक सन्यासी के रूप में दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे धर्म या ईश्वर को नहीं मानता हूं जो किसी विधवा के आंसू ना पोंछ सके और किसी अनाथ को रोटी का एक टुकड़ा ना दे सके। आप उनके विचारों को जरा समझिए। मैं किसी भी ऐसे धर्म और ईश्वर को नहीं मानता जो विधवाओं के आंसू ना पोंछ सके और किसी अनाथ को एक रोटी का टुकड़ा ना दे सके। ये उनके विचार थे स्वामी विवेकानंद के। स्त्रियों की गरिमा को बढ़ाने वाला कितना महान विचार उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि 500 समर्पित व्यक्ति अगर मुझे मिल जाए, स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट बहुत नामी स्टेटमेंट बता रहा हूं, अगर 500 समर्पित व्यक्ति मुझे मिल जाए तो मुझे इस देश को सुधारने में 50 वर्ष लगेंगे, लेकिन अगर 50 समर्पित, मात्र 50 समर्पित महिलाएं मिल जाए तो मैं यह काम कुछ ही वर्षों में कर दूंगा। यानी वो महिलाओं को पुरुषों से कहीं ज्यादा संवेदनशील सामाजिक योद्धा मानते थे। निश्चय ही भारत के इतिहास के एक ऐसे क्रांतिकारी सन्यासी, एक ऐसे योद्धा सन्यासी जिन्होंने अपने विचार से, अपने कृत्यों से, अपने ज्ञान से पूरे भारत की, बहुत लोग कहते हैं कि नव हिंदूवाद की स्थापना उन्होंने कर दी, हिंदू धर्म जागृत हो गया। सिस्टर निवेदिता ने माना है कि
भारत के हिंदू धर्म के मैंने जागरण में उनका प्रमुख योगदान था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने अपने बहुत सारे उनके विचार नेट्स पे बहुत सारे विचार उनके किताबों में मिलते हैं, लेकिन अपने इस ज्ञान के परचम को पूरी दुनिया में फैलाने वाले स्वामी विवेकानंद ने निश्चय ही ऐसे ऐसे सूक्ति दे दिए, ऐसे ऐसे थॉट दे दिए जो आज तक मानवता को जी तक मार्गदर्शित कर रहा है और युग युगांतर तक मार्गदर्शित कहेगा। उनका कहना था, उठो जागो और तब तक ना आराम करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना करो। यह वाक्य, उठो जागो और तब तक आराम ना करो, तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर सको। उनका यह भी कहना था कि संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता उतना ही महान होगा। निश्चय ही भारत के इतिहास में एक ऐसे महानायक जिन्होंने अपने ज्ञान से अपने अपने शिक्षा से पूरे दुनिया में भारत का परचम फहरा दिया। वह देश जिसे पूरा यूरोप पूरी दुनिया सांप और सपेरों का देश कहता था, पहली बार आधुनिक भारत में विश्व गुरु की संकल्पना को अपने ज्ञान से उन्होंने साकार कर दिया। ठीक है, ये थे स्वामी विवेकानंद के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नए महानायक के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।